हेलो, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है 6 अवयवों वाले अवयव की संख्या बताएं। तो 6 अवयव से कितना अवयव की अवयव को लिख सकते हैं, उसको अगर फाइंड करना है तो हम लोग को कैसे पता होगा ऑप्शन ए बी सी और डी होगा। इसको पता करने के लिए हम लोग 6 अवयव का कितना अवयव लिख सकते हैं, 6 अवयव, तो इसका फैक्टर तोड़े। 6 का फैक्टर हो सकता है 1 और गुना 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1। ये 6 का कितना फैक्टर तोड़ सकते, 4 फैक्टर तोड़ सकते, तो अवयव की संख्या कितना हो जाएगा 4। मतलब 6 अवयव से अवयव की संख्या कितना, कितने अवयव लिख सकते, 4 अवयव लिख सकते। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां की संख्या बताइए। तो 24 अवयव से अवयव की कितना कोटि हम लोग लिख सकते, मतलब ऑर्डर। तो 24 एलिमेंटों का अगर हमें ऑर्डर पता करना है, कोटियां पता करना है, तो क्या करेंगे, 24 का भी फैक्टर तोड़ेंगे। तो 24 का क्या क्या फैक्टर संभव है, 1 गुना 24, 2 गुना 12 और 3 गुना 8 और 4 गुना 6 और क्या हो सकता है, 6 गुना 4, फिर 8 गुना 3, 12 गुना 2 और 24 गुना 1, इतना फैक्टर टूट सकता है। तो कितना फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 फैक्टर टूटा। तो कितना संभव कोटि है, 8 कोटि। ये क्या हो कहलाता है, कोटि, ये 8 कोटि लिख सकते हैं। 24 अवयवों वाले 24 अवयव से कितना कोटि लिखा जा सकता, 8 कोटि लिखा, यही फैक्टर क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑर्डर। एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अवयव ए दिया हुआ में पंक्तियों की संख्या बताइए। इसमें कितना पंक्ति, पंक्ति मतलब रो थे, इसमें रो की संख्या ए फर्स्ट रो कहलाता है और ए आपका सेकेंड होता है, ए फर्स्ट रो और ए सेकेंड है। तो कितना रो है, इसमें 2 रो है, रो की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था ना, अवयव में प्रविष्टों की संख्या बताएं। इस अवयव में प्रविष्ट की संख्या, प्रविष्ट मतलब एलिमेंट, इस अवयव में कितने एलिमेंट है सो पूछ रहा है। तो हम लोग काउंटिंग कह लेंगे 1 2 3 4 और 4 यहाँ पे, 4 4 8 8 4 12। तो एलिमेंटों की संख्या कितना हो जाएगा, 12। तो इस अवयव में प्रविष्टों की संख्या कितना है, 12, मतलब कितना एलिमेंट है, तो इसमें कितना एलिमेंट है, 12। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में अगर क्या दे दिया, एक करा इस अवयव में अवयव की कोटि, अगर एक क्वेश्चन दे दिया और कह दिया अवयव, इस अवयव में अवयव की कोटि बताए, तो इसका कोटि अगर हम लोग बताना, कोटि मतलब ऑर्डर, ऑर्डर पूछ दिया, तो इसका ऑर्डर पूछ दिया, तो हम लोग सबसे पहले रो बताते हैं, कितना रो, 1 2 और 3 रो है और कितना कॉलम, 2 कॉलम, तो 3 इंटू 2, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा, यदि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक पंक्ति अवयव है, क्या है, एक पंक्ति अवयव, मतलब रो मैट्रिक्स है, इसमें अगर ए आई जे एम इंटू एन रो मैट्रिक्स है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी और डी। तो रो मैट्रिक्स वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या क्या हो, एक हो, अगर रो की संख्या और रो की संख्या अगर 1 होता तो वह क्या कहलाता, पंक्ति अवयव, जिसमें आपका क्या ना, यहाँ पर रो, रो क्या ना, एन 1 इंटू ए, मतलब एम बराबर क्या होना चाहिए, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यदि एम बराबर, रो को क्या सिद्ध करते हैं, एम से, तो एम इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1, तो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, जिसमें केवल एक रो, रो की संख्या एक हो और कॉलम की संख्या अनेक हो, तो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। तो ए आपका रो मैट्रिक्स, रो की मतलब रो बराबर 1, तो रो बराबर एम बराबर कितना, 1। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। 7 में क्या करा, यदि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग अवयव है, इसमें कौन ऑप्शन होगा, तो वर्ग अवयव, यह अवयव वर्ग अवयव तभी कहलाएगा जब एम बराबर एन, रो की संख्या बराबर क्या हो, कॉलम की संख्या, उसे क्या कहते हैं, वर्ग अवयव। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। 8 क्या कह रहा ना, यदि ए बराबर एक अवयव है,
एक आवयुत एक कैसा आवयुत सो बताइए पूछा जा रहा। ऊपरी त्रिभुजाकार आवयु है कि निम्न त्रिभुजाकार आवयु या विकर्ण आवयु है या अदिश आवयु या कैसा आवयु है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ ना ये जो विकर्ण अवयव है ना ये विकर्ण अवयव के ये नीचे ये विकर्ण कहलाता है। इस विकर्ण के नीचे अगर सभी अवयव जीरो होता तो उसे हम लोग बोलते त्रिभुजाकार आवयु। यदि विकर्ण अवयव के ऊपर में सभी अवयव जीरो रहता और नीचे कुछ एलिमेंट रहता तो क्या कहलाता निम्न त्रिभुजाकार आवयु। और ये लेकिन ये क्या है ना यहाँ पर क्या है ना कि नीचे वाला विकर्ण अवयव के नीचे वाला अवयव सब जीरो है और इधर क्या है ना एलिमेंट है तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार आवयु कहलाएगा। विकर्ण आवयु किसे कहेंगे विकर्ण आवयु कहते विकर्ण अवयव हो और शेष अवयव क्या रहता शून्य रहता तो इसे विकर्ण आवयु कहते। अदिश आवयु किसे कहते जिसके विकर्ण अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य हो वो क्या कहलाता अदिश आवयु। यहाँ पर क्या है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्यों ऊपरी त्रिभुजाकार विकर्ण अवयव के यदि नीचे वाला सभी अवयव शून्य हो तो क्या कहलाता ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर ए। 9 में क्या कर रहा है एक अदिश आवयु है तो यह स्केलर में इसमें कौन स्केलर मैट्रिक्स है ए वाला तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये विकर्ण अवयव सेम होना चाहिए। विकर्ण अवयव सेम है क्या नहीं ए नहीं है इसमें विकर्ण अवयव सेम दो ठो है लेकिन यहाँ पे माइनस त्रिराग ए भी विकर्ण नहीं है तो ए तो विकर्ण इसमें समान है इस तरह से होता है। विकर्ण इस तरीके से नहीं होता आवयु में विकर्ण ऐसे होता है ए भी नहीं है तो ए आपका है तो ए क्या कहलाएगा अदिश आवयु। इसमें ए अदिश आवयु है ए अदिश आवयु नहीं है क्योंकि इसमें इस तरह का विकर्ण में सभी अवयव क्या होने चाहिए सेम इसमें सभी अवयव सेम नहीं है इस तरीके के विकर्ण आवयु नहीं होता विकर्ण आवयु इस तरीके से होता। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का इस तरह का क्वेश्चन कहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 समझेंगे। 10 कह रहा है ना माना कि ए बराबर ए आई जे इतना दिया हुआ तो A2 3 क्या होगा मतलब यहाँ पर ए दूसरा रो तीसरा कॉलम का इस आवयु में दूसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव इसमें कौन होगा तो देखेंगे A2 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम तो ए दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट क्या है 3 तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट ऐसे बना लेते हैं। फिर 11 में क्या करा अदि इतना बराबर इतना तब x का मान बताइए तो ए जब बराबर आवयु है तो 4 किसके बराबर होगा y के बराबर और 3 किसके बराबर होगा इस z के बराबर और x किसके बराबर 1 के बराबर तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सी ए हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। 12 क्या करा माना कि a बराबर इतना दिया हुआ तब 2a बराबर भाग इसमें 2a बराबर क्या होगा तो 2a बराबर हम लोग जानते हैं जब इसमें 2 एक मैट्रिक्स में गुना कर देता प्रत्येक अवयव में गुना होता है तो 2 × 2 = 4 और यहाँ पे 2a अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 8 और 6 और यहाँ पे 4 आ जाएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर ये हो गया डी। अब हम लोग समझते हैं 13। 13 में क्या दिया हुआ ए और बी ए दो आवयु दिया हुआ है ए और बी तो कहा जा रहा है ए प्लस बी निकाले तो इस दोनों आवयु को जोड़िए 1 को किसके साथ 3 के साथ 4 को -2 के साथ और 6 किसके साथ जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो ए हो गया क्वेश्चन नंबर 12 और 13। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दो आवयु का जोड़ हम लोग सभी जानते हैं दो आवयु का जोड़ अगर a प्लस बी फाइंड करना है तो 1 किसके साथ जोड़ेंगे 3 के साथ 4 आ जाएगा 4 और -2 कितना 2 -1 -6 -7 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा 6 प्लस 0 6 और 5 प्लस -7 -2 ये आ गया तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 करा अदि ए विकर्ण इतना दिया हुआ बी विकर्ण इतना दिया हुआ तो 4a माइनस 3b वर्ग ज्ञात कीजिए तो इसमें कौन होगा ए बी सी या डी तो ए करा हम लोग को 4a तो 4a और माइनस में 3b तो यहाँ पे क्या कीजिए ए लिख लेंगे विकर्ण 4a
बीकन, इसमें फोर गुना करेंगे तो ए हो जाएगा बीकन 4a, तो 4a बीकन क्या हो जाएगा 4 12 और कितना 8 ए आ गया। फिर कहा जा रहा माइनस माइनस 3a बीकन 3b, तो बीकन इस बीकन में 3 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे 0 6 और 8 15। अब कहा जा रहा है घटाने के लिए, ए लिख लेंगे बीकन बीकन, अब 4 को 0 के साथ घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4, और 13 12 को 6 के साथ घटाएंगे क्या मिलेगा 6, और 8 को 15 के साथ घटाएंगे तो -7। तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर मिल गया डी, तो ए हो गया आंसर आपका क्या डी। तो इस तरह का विकर्ण ए विकर्ण बी दिया हुआ, तो 4a माइनस 3b करा फाइंड करने के लिए, तो ए आ गया। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे, करा इतना बराबर ए दिया हुआ, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग 2 से पहले गुना कर लेते, क्या हो जाएगा 6 और 8 5 दूना 10 और 2x, ये दोनों गुना कर ले, यहाँ पे 2 को सभी में गुना करें, प्लस अब क्या ना 1/1 0 और 1 और बराबर में क्या 7 0 10 और 5 ए लिख ली। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ सभी जानते हैं, ए जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 7 8 प्लस में 22 और 10 प्लस 0 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर में, और ए आ जाएगा 7 0 10 और 5। अब यहाँ पे दोनों बराबर आवे तो 7 7 के बराबर होगा, 8 प्लस 22 बराबर 0 और 10 10 के बराबर, तो यहाँ मिल जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 5, तो y का वैल्यू मिल गया माइनस 8 और यहाँ 2x और a 4 ये कट गया 2, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2, तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू माइनस 8, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। 16 क्या ना, ए दिया हुआ और कह रहा आव्यूह है, या आव्यूह कैसा आव्यूह, विकर्ण आव्यूह है अदिश आव्यूह है, या ए और बी दोनों है, मतलब विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह दोनों है, या नन ऑफ दिस। तो ए जिसके विकर्ण अवयव हो और शेष अवयव शून्य हो क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यदि विकर्ण अवयव सब समान हो और शेष अवयव शून्य हो तो क्या कहलाता है, अदिश आव्यूह। तो यह जो आव्यूह है इसके विकर्ण क्या है, सेम है और सभी अवयव शून्य है, तो विकर्ण आव्यूह भी है अदिश आव्यूह है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्यों, क्योंकि विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह दोनों आव्यूह कह सकते हैं, तो ए ए और बी दोनों आव्यूह होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए दिया हुआ है यहाँ पर 1001 और पूछा जा रहा है एक आव्यूह है, तो यह विकर्ण अवयव है शेष अवयव जीरो है, तो विकर्ण अवयव है अदिश आव्यूह, किसे कहेंगे विकर्ण अवयव सेम होनी चाहिए और शेष अवयव जीरो होना चाहिए, अदिश आव्यूह भी है, और इकाई आव्यूह विकर्ण अवयव एक एक होना चाहिए और शेष अवयव शून्य, तो इकाई आव्यूह कहलाएगा। और तो यह क्या है ना, विकर्ण आव्यूह भी है अदिश आव्यूह भी है और इकाई आव्यूह भी है, तीनों अति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ए बी और सी तीनों है, तो ए विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह तीनों। ये हम लोग थ्योरी में कंप्लीट कर चुके हैं, ये सब तो आप लोग खुद बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या करना, ए और ए तथा बी, तो ए बी ज्ञात कीजिए, ए इंटू बी पूछा गया जा रहा है, ए इंटू बी ज्ञात कीजिए, तो ए इंटू बी बरा इसमें क्या ऑप्शन होगा, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे ए इंटू बी। ए क्या दिया हुआ 0 माइनस 1 0 2 और इंटू में बी क्या दिया हुआ 3 5 0 और 0, इसको गुना कर लेंगे रो को कॉलम साथ, क्या मिलेगा रो को कॉलम साथ 0 प्लस में 0, फिर इस रो को सेकेंड कॉलम के साथ 0 प्लस 0 हो जाएगा, दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे 0, दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करके लिखे और ए आ जाएगा 0, तो ए मिल गया 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ए आपका कैसा हो गया ए इंटू बी 0, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा ना, ए दिया हुआ तो कह रहा ए स्क्वायर बराबर आई, तब क्या होगा,
तो ए दिया हुआ और कह रहा है ए स्क्वायर बराबर आई है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, तो ए स्क्वायर बराबर ए कितना बार गुना करना है, दो बार गुना करना है, तो अल्फा बीटा और गामा माइनस में अल्फा और इनटू अल्फा बीटा गामा माइनस में अल्फा, आई मतलब सभी जानते हैं 1 0 0 और 1, इसको गुना कह लीजिए रो को किसके साथ, कॉलम के साथ, तो रो को कॉलम के साथ गुना करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बीटा गामा, फिर इस रो को इसके साथ, तो अल्फा बीटा माइनस में बीटा अल्फा, अब दूसरा रो को पहला रो के साथ गुना करेंगे तो गामा अल्फा माइनस में अल्फा और ए आ जाएगा गामा, फिर इस रो को इसके साथ, तो बीटा गामा माइनस में माइनस माइनस प्लस में अल्फा स्क्वायर बराबर में 1 0 0 और ए बना गया, ये तो कट जाएगा ना, सेम है तो सेम कारण है, कट कर क्या मिल जाएगा 0, तो ए यहाँ पर बच जाएगा क्या ना अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा और ए आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ पर घटकर 0 और ए भी घटकर क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर मिल जाएगा बीटा गामा प्लस में अल्फा स्क्वायर बराबर में 1 0 0 और ए बन ए है 0 1 0 1, तो अब ए बराबर आबी है तो ए किसके बराबर 1 के बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, तो इसमें कोई ऑप्शन दिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 को रहने दे, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा बराबर में क्या 0, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या रहा ना, ए बी दिया हुआ तो ए बी बराबर क्या होगा ए इंटू बी, ए इंटू बी हम लोग सभी जानते हैं, ए लिख लेंगे 2 4 3 और 2 इंटू में बी, बी क्या दिया हुआ 1 3 माइनस 2 और 5, अब इसको गुना कह लेंगे, गुना जानते हैं रो को कॉलम साथ गुना करेंगे 2 माइनस 4 2 8, फिर रो को इसके साथ 6 और 5 3 15 और ए आ जाएगा, फिर रो को इसके साथ क्या मिल जाएगा 3 और माइनस में 4 और 3 3 9 5 2 10 ए आ जाएगा, अब इसको जोड़ ले तो -6 और 21 और -1 और 19 ये आ गया, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा डी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा ना, अधि दिया हुआ इतना प्लस इतना बराबर, इसमें ऑप्शन क्या होगा, ये हम लोग का तो सिंपल है, सभी जानते कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ेगा किसके साथ, साइन स्क्वायर के साथ, इसका सूत्र हो जाता है 1, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो इसका भी रिजल्ट हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ए तो डायरेक्ट आ गया, दोनों मैथ इसको जोड़ दिए और जोड़ने के बाद ये आ गया, ए ऑप्शन नंबर हो गया सी। तब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से अगले लेक्चर में, आज की क्लास इतना ही तक, थैंक यू एसडेन, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 से, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना अगर मैट्रिक्स में हम लोग कंप्लीट कर लेते तो एग्जाम के लिए समझिए कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।